हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य को दयाशंकर सिंह ने विक्षिप्त बताया तो वहीं गठबंधन के सवाल पर कहा कि आज मुलायम सिंह यादव की आत्मा रो रही होगी। कांग्रेस के साथ अखिलेश ने जो गठबंधन किया है ये बेमेल गठबंधन है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योगी राज की तारीफ हो रही है। हरदोई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के सामान्य से कार्यकर्ता से चुनाव हार गए और तब से वह विक्षिप्त हो चुके हैं। अपने को चर्चा में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करके चर्चा में रहना चाहते हैं, ये उनको सुधार करना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। मंत्री दयाशंकर सिंह ने आगे कहा कि योगी जी के राज को पूरे देश ही नहीं दुनिया में एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि योगी जैसा कोई हमारे देश में आ जाए तो देश सुधर जाए। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां हाई कोर्ट कहती है कि कानून व्यवस्था ठीक करना सीखना है तो यूपी जाकर योगी से सीखो। कई प्रदेश के लोग चाहते हैं कि योगी जैसा हमारा मुख्यमंत्री बने, जैसे कानून व्यवस्था योगी राज में है, इसलिए यहां पर उद्योगपतियों ने आकर 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं गठबंधन के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये बेमेल गठबंधन है, मुलायम सिंह की आत्मा आज रो रही होगी कि जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने पार्टी बनाई, जिसके लिए लाठी खाई और जेल गए, आज हमारा बेटा ही उसे बेच रहा है और कांग्रेस से समझौता कर रहा है। वही आजम खान के एनकाउंटर के डर की बात को लेकर दयाशंकर सिंह ने कहा कि जो अपराधी है वो डरेगा, जो अपराधी नहीं है वो खुलेआम घूमेगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट। देखिए सभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का वर्चस्व नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है, सबका साथ सबका विकास। जो अपराधी होगा वो डरेगा और जो अपराधी नहीं होगा वो खुलेआम घूमेगा। देखिए उन्होंने कहा है कि विश्व में शांति लाने के लिए भारत के जो आध्यात्मिक ताकत है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो दूसरे धर्म के लोगों को भी कहता है विश्व का कल्याण हो। अब विश्व में कौन ज्यादा लोग रहते हैं, या तो क्रिश्चियन रहते हैं या तो मुसलमान रहते हैं, लेकिन उनको भी हिंदू धर्म कहता है उनका भी कल्याण हो। ये दुनिया में कोई और धर्म नहीं है, केवल हिंदू धर्म ही। देखिए देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, उनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किया और आज आज कांग्रेस पार्टी समाप्त होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो लगभग समाप्त होगी, तो उनके बारे में हम लोग क्या कहें अपने कर। हाँ तो अखिलेश यादव बिना सांसद के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बन जाए। उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिलने वाली इस बार मैनपुरी सीट भी नहीं मिलने वाली। इस बार मैनपुरी सीट भी नहीं मिलेगी, 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। देखिए बेमेल गठबंधन है, मुलायम सिंह जी की आत्मा आज रो रही होगी कि जिस कांग्रेस के खिलाफ में मैंने पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी, जिसके डंडा खाया, जिसके कारण जेल गए, आज हमारा बेटा उस आत्मा को ही बेच रहा है कांग्रेस से